हाय वेलकम अगेन गाइस, आई एम जेएस यादव। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में हम PQRS जंबल सेंटेंसेस के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, पार्ट टू को पढ़ेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, पार्ट वन में मैंने आपको बताया था टाइप वन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आज इस पार्ट टू में वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, जो दूसरा टाइप है क्वेश्चंस का, उनकी बात हम आज करेंगे। अब रही बात कि पहला टाइप क्या था और दूसरा टाइप क्या है, मैं आपको बता दूं। मैंने कहा था कि एक जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास 6 सेंटेंसेस होते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस, उन्हें जोड़कर एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना होता है। और एक जो टाइप होता है उसमें 6 सेंटेंसेस नहीं होते, बल्कि एक ही सेंटेंस के 6 पार्ट्स होते हैं। उन्हें कंबाइन करके, उन फ्रेजेस को, उन वर्ड्स को कंबाइन करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो कल जो आपने पार्ट में देखा होगा PQRS, जो आपने पार्ट वन देखा होगा, वो टाइप वन यानी एक टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास 6 कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं थे, बल्कि सेंटेंस के पार्ट्स थे, उन्हें जोड़कर हमने एक सेंटेंस बनाया था। आज हम कंप्लीट बड़े बड़े सेंटेंसेस देखेंगे, जैसा कि अक्सर बैंकिंग एग्जामिनेशन में आता है और SSC मेंस में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। तो गाइस देखते हैं बोर्ड पर, पहला क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे और मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए जरा ध्यान से और हम आगे चलते हैं। तो गाइस आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं आपके साथ पढ़ूंगा, देखूंगा और समझूंगा। चलिए मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। दोनों में डिफरेंस देखेंगे आप। पार्ट वन में जो था हमारे पास जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं थे, हमारे पास सेंटेंस के 6 पार्ट्स होते थे। हियर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल कम अक्रॉस 6 कंप्लीट सेंटेंसेस एंड वी विल नीड टू कंबाइन दम मेकिंग अ मीनिंगफुल स्टोरी। हमें 6 सेंटेंसेस कंप्लीट इस बार मिलने जा रहे हैं। बोर्ड पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके साथ पढ़ता हूँ मैं। लिखा है पहला फिक्स, जो कहानी का पहला फिक्स सेंटेंस है, और 6वां सेंटेंस जो फिक्स लिखा है मैं पढ़ता हूँ सारा। लिखा आ डॉग स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ बूचर्स शॉप, कंप्लीट सेंटेंस है ना। एक डॉग ने एक बूचर की दुकान से, बूचर मतलब कसाई को बोलते हैं, उसकी शॉप से एक मीट का पीस चोरी कर लिया। सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। अब गाइस इस सेंटेंस में जैसा मैंने आपको कल समझाया था, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, जिन बच्चों ने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि उस चीज़ को अगर मैं दोबारा यहाँ करूँगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है गाइस, मैंने आपको बताया जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हमें नाउन देखने होते हैं। इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस फिक्स है इस कहानी का अ डॉग, इसमें एक नाउन डॉग है, फिर हमारे पास जो एक नाउन है गाइस वो कौन सा है, वो है पीस ऑफ मीट और फिर बूचर शॉप। ध्यान से समझना कि हम शॉप के लिए, बूचर शॉप के लिए इट ले सकते हैं, पीस ऑफ मीट के लिए इट ले सकते हैं, और डॉग जो कि एनिमल है उसके लिए कई बार, जो एनिमल्स होते हैं कई बार उनके लिए इट भी लिया जाता है, उन्हें नॉन लिविंग ट्रीट करते हैं, और कई बार उनके लिए अगर अफेक्शन दिखाते हैं या उन्हें हम स्पेशल ट्रीट करते हैं तो उनके साथ हम ही भी लेते हैं। अब हमारी तलाश या तो इट है तीनों के लिए, या तो अगर हम डॉग की बात करेंगे तो अलग से डॉग के लिए ही भी ले सकते हैं। तो आपने ऑप्शन देखने शुरू किया, आपने पी में देखा ही लिखा, क्यू में देखा ही लिखा, आर में ही लिखा, एस में ही लिखा। यही मैंने आपको समझाया था कि हम नाउन्स के लिए रिस्पेक्टिव प्रोनाउंस ढूंढते हैं, और अगर वो प्रोनाउन किसी एक में लिखा होता और वैसा ऑप्शन एक होता हम टिक करते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि हम ही की बात कर रहे थे और चारों में ही था, तो क्या एक काम करते हैं फिर ऑप्शंस की मदद लेते हैं। हमारे पास ए में लिखा है, ऑप्शन जो दिए हैं ध्यान से देखेंगे, ए में क्या लिखा है QPSR, बी में QSRP और सी में QPRS और डी में SRPQ। एक बात तय हो गई कि सेंटेंस यानी कहानी की जो शुरुआत करेंगे सीक्वेंस की उसमें या तो क्यू आएगा या एस आएगा, राइट गाइस। हमारे पास आर और पी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए ये कहानी बचपन की आप सभी को पता होगा, एक बार क्या होता है एक डॉग जो है वो पीस ऑफ मीट को चोरी करता है, और हर किसी को पता है कि चोरी करके क्या करते हैं। डॉग को भी पता है, आजकल का डॉग है वो भी होशियार है, क्या करेगा, चोरी करके भागेगा। तो डॉग भागा कहाँ है, जंगल में नहीं, क्यू में, ऑप्शन क्यू में भागा। देखें आप, ही रैन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट, यानी सेंटेंस यानी सीक्वेंस की शुरुआत क्यू से होगी, और क्यू के कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। अब दिक्कत हुई, मैंने आपको कहा था कि मैं हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। कल तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जो हम ऑप्शन निकालते थे, जो देखते थे, जो हम सीक्वेंस बनाते थे, वैसा एक ही ऑप्शन होता था। लेकिन आज आपने देखा कि हमें लग रहा है कि क्यू से शुरुआत होगी, बट वी हैव गॉट 3 ऑप्शंस बिगिनिंग विद क्यू, है ना। हमारे पास 3 ऑप्शंस है गाइस जो क्यू से शुरू हैं, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई नहीं, हम इस चीज़ को भी देखते हैं। तो गाइस आपने क्या देखा कि ही रैन टू द जंगल विद अ पीस ऑफ मीट, क्यू से शुरुआत हुई। अच्छा इसके बाद क्या होगा, पी में लिखा ही बाग इन एंगर, मतलब ये कि वह गुस्से में भौंका, तो जंगल से जाते समय गुस्से में क्यों भौंकेगा। मैंने कहा था घटनाओं के घटने का एक सीक्वेंस होता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। तब वो जंगल से गुजरा, तो आपको कहानी याद भी आ रही होगी कि जंगल से गुजरते समय ही क्रॉस द रिवर ऑन द वे, वो नदी से पार हो रहा होता है, नदी को पार कर रहा होता है, और वहीं उसे अपना रिफ्लेक्शन देखता है और गुस्से में भौंकता है, और वो टुकड़ा भी मुंह से जा गिरता है। तो यानी पहले क्या आएगा, क्यों आएगा, जंगल की तरफ भागा, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा गाइस, ही क्रॉस्ड अ रिवर ऑन द वे, तो ही क्रॉस्ड अ रिवर ऑन द वे वो एस में है, यानी शुरुआत क्यू से हो और उसके बाद हमारे पास एस हो, ऐसे कितने ऑप्शन है गाइस,
आपने देखा ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक है और वो है बी, और पूरा क्या बनेगा QSRP। डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? आज हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट सेंटेंसेस दिए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर देखें लिखा हुआ है, रमई एंड समई वर टू पुअर यंग मैन। रमई और समई दो गरीब युवा थे। याद आया जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ा है पार्ट वन में क्या गाइस, कि हमारे पास जो नाउन्स होते हैं उनके रिस्पेक्टिव प्रोनाउंस लेते हैं। अब हमारे पास रमई और समई दो नाउन्स हैं, और इन दोनों के लिए अगर हम प्रोनाउन लें तो हम शायद दे ले सकते हैं। यस नो गाइस? दे है ना, तो हम दे ले सकते हैं, यानी हमारी जो तलाश है अब आगे वो दे की है। अब आप ढूंढना शुरू करो दे किसमें लिखा है। आप देखोगे पी में, क्यू में, आर में, एस में, सभी में दे लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन को, सभी में दे लिखा हुआ है। हाँ, शायद आपको नहीं मिल रहा होगा, क्यू में और एस में तो आपको दिख रहा है शुरुआत में लिखा हुआ है, लेकिन पी में थोड़ा अंदर जाकर क्या लिखा है, ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। बात समझ में आई ना? पी में भी दे है सेंटेंस के मिड में, और आर में भी दे है ऑन अदर डेज दे रिमेंड, है ना गाइस? चलो, जिस प्रोनाउन को हम ढूंढ रहे थे वो चारों में है। अब चारों में यही तो दिक्कत है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, घटनाओं के घटने का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। अच्छा, इन जनरल गाइस मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी बंदे की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? सबसे पहले उसका नाम और फिर पता। कहते हैं यार उसका नाम पता तो हो, कुछ नाम पता है तुम्हारे पास, नाम पता हो तो मैं इसको ढूंढूं। तो नाम तो आपको बता दिया गया, क्या रमई और समय, और पता क्या, पता बताया गया कि दे लिव्ड नियर महेशपुर। ऑप्शन क्यों देखें, दे लिव्ड नियर महेशपुर, तो यानी सीक्वेंस की शुरुआत क्यू से होगी। अब हमें देखना है क्यू के कितने ऑप्शन हैं। पी में देख लें, क्यू पी आर एस, बी में लिखा है आर पी क्यू एस, और सी में लिखा है एस पी क्यू आर, और डी में क्या लिखा है पी क्यू आर एस। हमें क्या चाहिए शुरुआत में, बिगिनिंग में क्यू, और क्यू से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है वो है ए। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ए, इज अ क्लियर आंसर ए हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पर देखें गाइस क्या लिखा है, आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में अपने दोस्त के घर गया। मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन आई वी राइटर ले सकता है जब वो अपने बारे में कुछ बता रहा हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार नाउन से शुरुआत हो, आई वी ले सकते हैं, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है और स्पीकर यहाँ राइटर कंसिडर होता है। तो राइटर कह रहा है कि पिछले सप्ताह में अपने दोस्त के घर गया। हमारे पास यहाँ एक दोस्त है और एक आए हैं, दोस्त के लिए ही होगा और आए के लिए तो आई होगा। देखते हैं जरा लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनता है। पिछले सप्ताह में दोस्त के घर गया, पी में लिखा है ही पोलाइटली रिफ्यूज टू ऑब्लाइज मी, उसने विनम्रता से मुझे मना कर दिया, किसी चीज़ के लिए उसने मना कर दिया। आप कहानी समझ में आ रही है, पिछले सप्ताह में अपने दोस्त के घर गया और उसने मुझे विनम्रता से मना कर दिया, पोलाइटली मना कर दिया। सॉरी गाइस, अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि वो दोस्त के घर गया और आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने मना कर दिया। ऐसा लग रहा ना कहीं ना कहीं गैप है ना, बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। चलिए पी क्यू पढ़ते। लिखा आई डिड नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। सोचने वाली बात है, मैं दोस्त के घर गया और एक शब्द भी ना बोला, तो मैं करने क्या गया, मैं क्या करने गया, है ना? वहां क्या मौन व्रत रखने गया? नहीं ना। देखते हैं गाइज, मैं आपको बता रहा हूं कि हर घटना के घटने का एक सीक्वेंस होता है, पहले रीजन होता है फिर रिजल्ट होता है। आपको पता करना होता है आखिर वो दोस्त के घर गया तो गया क्यों। देखें जरा आर में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली आई वॉन्टेड हिज स्कूटर फॉर अ डे। वास्तव में रीजन ये था कि मैं उसका स्कूटर एक दिन के लिए चाहता था, लेना चाहता था। अब वो दोस्त के घर गया, यूं ही कोई किसी का दोस्त वोस्त नहीं होता, वो अगर दोस्त के घर गया तो रीजन था वो स्कूटर चाहता था एक दिन के लिए, और दोस्त ने भी विनम्रता से मना कर दिया, और फिर इसने क्या किया, कुछ ना बोला, चुपचाप छोटा सा मुंह बनाया, घर को वापस आ गया। यानी कहानी की शुरुआत आर से होगी, किससे होगी गाइज, आर से। आर में क्या लिखा है, एक्चुअली आई वॉन्टेड स्कूटर फॉर अ डे, और आर से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन हैं। बोर्ड पर देखें, पहला आर पी क्यू एस, आर से एक ही दिख रहा होगा आपको पहला, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो गया। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पर क्या लिखा है, वन कोल्ड नाइट जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू जंप इन टू माई बेड। एक रात जब बहुत ठंड थी, मैं बस बिस्तर में सोने ही वाला था। आई हर्ड गन्स फायरिंग, मैंने सुना कि बाहर गोलियां चली, बाहर बंदूकों के चलने की मैंने आवाज सुनी। एक रात में सोने ही वाला था, अचानक मैंने सुना कि बाहर बंदूकें चल गई, गोलियां चल गई, है ना? तो इसके बाद क्या हुआ होगा, आए मतलब समझ गया ना, राइटर अपने बारे में बात कर रहा है। तो सोचो अगर तुम राइटर की जगह होते खुद तो क्या करते। पी के बार इसके क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ इंग्लिश का, जस्ट वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट नहीं होता, बल्कि एग्जामिनर ये भी देख रहा होता है कि क्या आप मेंटली फिट हैं, क्या आप में थॉट प्रोसेस, थॉटफुलनेस है, आप में चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं। अब सोचो अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते। आप अचानक सोने जा रहे होते, ठंड, उस रात बहुत ठंड थी और बाहर गोलियां चल जाए, तो तुम क्या करते।
डिपेंड करता है कि आप हैं कैसे। अगर आप डरपोक टाइप के हैं तो जो हो रहा होने दो, चद्दर तानो सो जाओ, है ना। लेकिन अगर आप बहादुर हैं तो तुरंत अरे भाई कौन है, कहाँ है, मैं हूं ना, ऐसा करते हुए बाहर आएंगे आप। लेकिन अगर आप बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं तो पहले इस बात का जायजा करना होगा, इस बात के बारे में सोचना होगा कि आज जो बाहर बंदूकें चला रहा है, गोलियां चला रहा है, वो कितना ताकतवर दुश्मन है। मैं बाहर तो जाऊं लेकिन बंदूक लेकर जाऊं या तोप या बारूद लेकर जाऊं, तो डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे और क्या करेंगे। देखते हैं इस बंदे ने जो सोने जा रहा था, जब बंदूकें चली, गोलियां चली, तो उसने क्या किया, देखते हैं। तो पहले में जो लिखा है, ये सोने जा रहा था, बंदूकें चल गई, पी में लिखा है द होल सिटी सीम टू बी लिट बाय हेवनली लाइट। अचानक मुझे लगा कि पूरा शहर चकाचौंध हो गया, कोई देवीय जो है प्रकाश हो गया, बहुत अच्छी अच्छी वहाँ लाइट हुई। ऐसा कैसे हो गया, जब मैं सोने जा रहा हूँ मुझे पूरा शहर कहाँ से दिख गया चकाचौंध? क्या मैंने पूरे शहर में सीसीटीवी लगा रखा जो अंदर से दिख गया? सोचने वाली बात है, ये स्टेप नहीं हो सकता। फिर लिखा ऑन लुकिंग आउट आई सॉ द फ्लैशेज ऑफ फास्ट ट्रेवलिंग बुलेट्स। यहाँ वहाँ गोलियों के जलने की मैंने जो है फ्लैशेज देखी, रोशनी देखी। अब देखो, अब ध्यान से, पहला पड़ा पी, मुझे डाउट हो रहा अचानक कैसे हुआ, क्यू डाउट हो रहा है। आर में लिखा है स्टूड मोशनलेस एज शेल्स विशिल्ड पास्ट। जैसे ही बंदूक के यहाँ वहाँ से निकली तो मुझे जो है देखकर मैं मोशनलेस रह गया, स्तब्ध रह गया। मैं कुछ ना कर पाया, ना सोच पाया, ना बोल पाया, ना चल पाया, वहीं खड़ा रह गया। देखने वाली बात है, आपको शहर चकाचौंध दिखा, बाहर देखने पर आपको लाइट दिखाई पड़ी, आप ये नज़ारा देखकर बिल्कुल मोशनलेस हो गए। लेकिन इन सबसे पहले तुम सोने जा रहे थे, ये सब तुम्हें दिखा कैसे? मैंने कहा लॉजिकल सीक्वेंस होता, सबसे पहले तुम खिड़की तक भागे होगे, और वो लिखा है एस में आई रैन टू द नियरेस्ट विंडो। जैसे मैंने ये सुना मैं खिड़की तक भागा। ये डरपोक नहीं था, ये सिर्फ बहादुर नहीं था, ये बुद्धिमान और बहादुर दोनों था। इसने पहले देखा कि माजरा है क्या, तो खिड़की तक गया। तो आई रैन टू द नियरेस्ट विंडो, और ये एस में लिखा, और इसके कितने ऑप्शन है ध्यान से देखेंगे, सिर्फ डी में लिखा हुआ देखें, ऑप्शन डी में एस क्यू पी आर, दैट्स योर आंसर गाइज। डेटा में क्लियर, ये आपका आंसर होगा। चलते हैं आगे, अगला जो लिखा हुआ देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर। अ पैंथर इट इज रिपोर्टेड वॉक इनटू अ हाउस यस्टरडे अट्रैक्टेड बाय द स्मेल ऑफ द कैटल इन द शेड क्लोज बाय। मैं ट्रांसलेट करता हूँ, बताता हूँ आपको। इट इज रिपोर्टेड, ये खबर आई कि एक पैंथर, एक तेंदुआ पास वाले घर में घुस गया क्योंकि उसे उस घर से किसी जानवर की महक आ रही थी, स्मेल आ रही थी। ऐसी खबर आई कि कल एक पैंथर पास वाले घर में एक जानवर की स्मेल से अट्रैक्ट होकर चला गया। चलिए, पैंथर चला गया, कहानी पूरी है, कंप्लीट है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट है ना। अब हमारे पास नाउन पैंथर है, पैंथर के लिए हम इट ले सकते हैं, ही ले सकते हैं, डिपेंड करता है राइटर आगे क्या ले रहा है, ठीक है। दूसरा कैटल आया है, कैटल जो है ना, हम ऑफ द कैटल, कैटल जो होता है ना वो चार पैर वाले जानवरों को बोलते हैं, तो उनकी उनके लिए हम दे ले सकते हैं। देखते हैं इसने क्या लिया, पी पढ़ते जरा ध्यान से देखेंगे। लिखा जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम, जैसे ही पैंथर उस पर झपटने वाला था, हिम जो इसमें प्रोनाउन आया गाइस, उस पर जैसे झपटने वाला था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर हिम आया किसके लिए, है ना, किसके लिए आया भाई। पैंथर तो पैंथर लिख दिया, लेकिन हिम जो प्रोनाउन आया उसके लिए कोई अभी मेल और कोई मैन या बॉय डिस्कस हुआ ही नहीं है, तो हम इसे नहीं ले सकते। हिम के लिए पहले वो नाउन तो आना चाहिए, तब तो हिम लेंगे हम। फिर क्या लिखा हुआ क्यू में, द नेबर्स हर्ड हिज क्राई एंड ब्रोक ओपन द डोर, पड़ोसियों ने उसका शोर सुना और दरवाजा तोड़ दिया। तो सोचने वाली बात है, किसका शोर सुना, हिज नॉइज भाई, किसका, क्या पैंथर चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, पड़ोसियों ने उसका शोर सुनकर दरवाजा तोड़ दिया। आप सोचने वाली बात है, किसका, अगेन फिर से यहां जो आपने हिज लिया हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, ये किसके लिए आया पहले उसके बारे में बात करनी होगी। अब देखो आर में क्या लिखा है, इट स्ट्रेट इन टू द हाउस वेयर अ बॉय सीता राम वॉज स्लीपिंग, यानी पैंथर सीधा घर में उस कमरे में गया जहां एक लड़का सीताराम सो रहा था। तो गाइज ये है वो सीताराम जिसके लिए बार बार पी क्यू में ही और हिज आ रहा था, हिम और हिज आ रहा था, यानी पैंथर, पैंथर के बाद जो दूसरा नाउन इंट्रोड्यूस हुआ वो सीताराम है, और सीताराम के लिए प्रोनाउंस हिम आया था, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज आया था, यानी सबसे पहले पिक्चर में आर आएगा। तो हम देखते हैं आर के कितने ऑप्शन हैं, बोर्ड पर देखें जरा, आर के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक बी और एक सी। भाई हम ए और डी तो हटा दें, आर के दो हैं, अब हमें देखना कि आर के बाद क्या आएगा। गाइज पहले को पढ़कर, पहले फिक्स सेंटेंस को पढ़कर हमने अगला गेस कर लिया आर आएगा, थोड़ा सिक्स्थ को भी पढ़ लेते, इसी का छठवां देखो क्या लिखा हुआ है, इसी का सिक्स्थ क्या लिखा हुआ है, लिखा है बाय देन द पैंथर हैड स्केप्ड थ्रू द ओपन विंडो, बाय देन द पैंथर हैड स्केप्ड थ्रू द ओपन विंडो। तब तक तो पैंथर खुली हुई खिड़की से भाग चुका था, कब तक, कब तक, जब तक पड़ोसियों ने शोर सुनकर दरवाजा तोड़ा होगा। इसका मतलब ये कि आर से शुरुआत होगी और छठवें के ठीक पहले दरवाजा तोड़ने वाली बात क्यू में लिखी हुई है,
यानी सीक्वेंस में पहले आर आएगा बाद में क्यू आएगा, ऐसा ऑप्शन बी है या सी है? बी, लुक एट द बोर्ड गाइस, ऑप्शन आर एस पी क्यू, दैट्स योर आंसर। डिड आई मेक इट क्लियर? ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लिखा है इट वॉज नियरली टू आवर्स बिफोर डे ब्रेक, इट वॉज नियरली टू आवर्स बिफोर डे ब्रेक, कहानी की शुरुआत हुई। डे ब्रेक का मतलब सुबह, जब सूर्योदय होता है उसके पहले का समय, यानी सुबह होने में अभी दो घंटे बाकी थे, कहानी की शुरुआत हुई। कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट तो नहीं है ना, सेंटेंस है। चलिए, हमारे पास ऐसा कोई नाउन नहीं जिसके लिए हम क्या हो, प्रोनाउन ले सकें। आगे चलते हैं, पी को पढ़ते हैं, समझते हैं। व्हेन ही रीच हिज ओन डोर, जब वह अपने खुद के दरवाजे पहुंचा। गाइज, फर्स्ट सेंटेंस में जो फिक्स है कहानी का, कोई ऐसा नाउन आया जिसके लिए मैं ही ले सकूं? नहीं ना, तो पी तो नहीं आएगा। ऐसे क्यों पढ़ो? ही एंटर द रूम, सुबह होने में दो घंटे बाकी, तो वह रूम के अंदर गया। आखिर ये वह है कौन, एक बार ये तो बताओ, नहीं पता चला इसको भी नहीं सकते। अब आर में देखो क्या लिखा है, द स्ट्रीट्स वर डेजर्टेड एंड साइलेंट एंड बिल साइक्स हरीड थ्रू देम, गलियां शांत थी, सन्नाटा था, उनमें कोई ना था, और बिल साइक्स उन गलियों में से तेजी से गुजरा। तो बिल साइक्स वो बंदा है, वो व्यक्ति है जिसके लिए बार बार ही और हम यहां पर ही पी क्यू में यूज कर रहे थे। बिल साइक्स उस व्यक्ति का नाम है, तो बिल साइक्स आर में आया है। आर के कितने ऑप्शन हैं देख लेंगे एक बार, आर पी क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी क्यू आर एस, क्यू एस आर पी। तो आर जिसमें नाउन आया है और उसके लिए ही ले सकते हैं हम, वो आर में है, आर का ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए है। तो आर पी क्यू एस इज द आंसर। डिड आई मेक इट क्लियर? फाइन, चलिए अब जो अगले इसके पार्ट्स आएंगे गाइज, पी क्यू आर के क्वेश्चंस के, उसमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। और याद रखेंगे गाइज, हर एक वीडियो में आई विल मेक इट श्योर कि हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे मैं लूंगा और कराऊंगा। कई बच्चों ने कमेंट्स किए गाइज कि सर पैसेज और क्लोजेस, वो भी बहुत जल्दी मैं लाऊंगा। ठीक है गाइज, चलिए हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चंस देकर मैं उनके आंसर्स भी लूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना काफी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना ना भूलें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने से एक तरह का मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और आई गेट टू नो कि पीपल आर एक्चुअली टेकिंग इंटरेस्ट इन माय कंटेंट, और चीज़ों को मैं और बेहतर बना सकूँ, डिलीवर कर सकूँ। आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब करने की जो हैबिट है, एक्टिविटी है, वो मुझे ये बताती है कि यू गाइज आर इन द प्रोसेस ऑफ लाइकिंग मी। तो गाइज इनकरेज मी, आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू पीपल एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर एनी इजी और इवन ऑन ऑड सिचुएशन फॉर यू। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ताकि मैं बेहतर चीज़ें ला सकूं और अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं सीखना चाहते हैं। और जल्दी मैं लाइव आना शुरू करता हूं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, माय नेम इज जे एस यादव। थैंक यू।